हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब, आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और थोड़ा बिजी हो गई थी तो इसलिए। एंड अभी जो है सबसे पहले नाश्ता करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलते आगे। एक सेकेंड, पहले एक आम भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज की तरफ से आए थे ये और उन्होंने भेजा था, तो काफ़ी मतलब बहुत टेस्टी आम है यार ये। मैं तो जब भी हो, मतलब दिन रात जो भी हो, ये आम खाने पे लगी हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी मीठा है। थैंक यू सो मच। इतना टेस्टी है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। और अभी मुझे पता चला कि मम्मी ने बताया आज जो है हमारे घर के साइड पर मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत आने वाले हैं और पेड़ वगैरह लगाएंगे, ऐसे कुछ बोल रही थी मम्मी शायद से। तो देखेंगे अगर जाऊंगी वहाँ पे। तो ऐसे तो मुझे पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, बट मम्मी बोलेंगी तो फिर देखूंगी। चलो सबसे पहले जो है नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। उसके बाद अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ का देखेंगे, ठीक है। इसको देखना कैसा लेटा हुआ यहाँ पे। कुछ पूछो कहा। बाय। सो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और मज़ा आ गया यार। आजकल तो मैं सुबह दिन शाम जब भी देखो आम खाने पर लगी हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वंस अगेन। और अभी जो है मैं लेके आई थी एक मॉप, सो मुझे वो देखना है कि वो सही है कि नहीं है। ये रहा वो मॉप। वैसे तो पोछा मार के भी देखना था, लेकिन मम्मी मुझे बुला रही हैं कि आ जा करके, सो अभी टाइम नहीं है, आके ही देखूंगी। या तो बकेट टूटा तो नहीं है इसका कहीं। ये मैं लेके आई थी कैंटीन से ना, तो थोड़ा वो रहता है। एक दो, अच्छा दो रिफिल मिली है इसके साथ। तो ये मॉप जो है मुझे पड़ गया था 795, 800 रुपये का लगा लो, 800 रुपये का मॉप है। और पहले मैंने जब वहाँ पे पूछा था तो उन्होंने कहा 750 या इस टाइप का कुछ पड़ेगा। फिर मैंने जब बिल कटाया तो वहाँ पे 795, मैंने कहा यार उससे अच्छा तो 800 ही बोल देते जिन्होंने मुझे पहले बताया था। बट एनीवेज चलो ठीक है। और अभी जो है मम्मी बुला रही हैं, तो वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे वो आने वाले हैं। पता नहीं क्या कर रही होंगी, मेरी मम्मी तो चलेगी, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ बैठ के, तो देख लेते हैं। एक बार माननीय अपने सांसद जो अभी नवनिर्वाचित सांसद माननीय त्रिवेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए, और आपका आशीर्वाद जो है सदैव जो है इस प्रदेश की जनता को मिलता है, सदैव जो है हरिद्वार की जनता को मिलेगा, पूरे देहरादून को आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं आप सबका एक बार पुनः त्रिवेंद्र जी की बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गामा जी। और गामा जी भी हमारे साथ 9:30 बजे से यही है गर्मी में, उनका मैं तो नहीं बदनाम नहीं हुआ, वो समोसे वाले की बिक्री बढ़ गई। अभी वहाँ वो बोल रहे हैं और ये रहे पेड़, एक दो उस साइड भी है ये और पता नहीं किस साइड लगाएंगे। हमारी नजर तो अब पड़ी इसमें, इतने सारे पेड़ है यार, काफी पेड़ लेके आ रखे हैं इस बार। नाइस, पर सारे फ्रूट्स के हैं, आम अमरूद। कुछ लोग यहाँ पेड़ लगा रहे हैं और कुछ लोग वहाँ चले गए हैं टी गार्डन के साइड पेड़ लगाने के लिए। शाबाश निकी, अब देखते हैं निकी पेड़ होता कि नहीं होता। ये पेड़ होता कि नहीं होता देखते हैं। आमले का पेड़ लगा रही निकी एंड वो सारे के सारे वहाँ लगा रहे टी स्टेट पे। बाबू पानी भी डालना है। हाँ जी अंकल, अब तो घर के पास है, घर के पास तो पानी डाल ही देंगे। है पेड़ ले लो, पेड़ ले लो। सो जाने लग गए। अरे अरे पेड़ की हो गई आप, मम्मी का गई। सब आंटी लोग पेड़ ले गए, ऐसा लग रहा है जैसे सब पेड़ की लूट हो गई होगी अभी।
सो पेड़ लगाने की फॉर्मेलिटीज जो है पूरी हो चुकी हैं। फॉर्मेलिटी इसलिए क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे गड्ढे उन्होंने करे हुए थे, काफ़ी डीप उन्हें खोदना पड़ता है तब जाके पेड़ लगते हैं। तो हमने तो अपने साइड काफ़ी खोदा, उसके बाद लगाया हमने पेड़। और जो हमारे साइड हैं पेड़, उसको तो हम कोशिश करेंगे बचाने की, प्रोटेक्शन कुछ है नहीं उसमें, तो मुश्किल है थोड़ा पेड़ बचेंगे, क्योंकि गाय वगैरह आ जाती है यार, वो खा लेती है। गाय तो आजकल ऐसी चीज़ें खा रही है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि यार गाय ये भी खाती है, ऐसी फीलिंग आ रही है गाय को देख के। और सुअर वगैरह आते हैं तो वो खोद वगैरह खोदते हैं, तो मुश्किल है थोड़ा बचाना बैक साइड का। तो बाकी फ्रंट में कोशिश करेंगे कि हमारे जो कॉलोनी के साइड लगे हैं वो पेड़ ढंग से रहें और ढंग से ग्रो करें। बाकी आप लोग भी पेड़ लगाएं अपने घर के आसपास। हमारी तो जितनी जगह थी हमने सारी कवर कर रखी थी पहले से, बाकी बस एक साइड छूटा हुआ था इस साइड, तो वहाँ पे उन्होंने लगा दिया है आज। बाकी हमने तो अपना पूरा कवर करके रखा हुआ है। सो पेड़ लगाएं, काफ़ी अच्छा रहता है पेड़ लगा के, काफ़ी अच्छा लगता है यार, ग्रीनरी बहुत अच्छी आँखों को बहुत सुकून देती है। तो सब लगाएं पेड़ों के। एंड कभी कभी तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है यार, मतलब पॉलिटिक्स क्या ही चीज़ है, मतलब ना बहुत खतरनाक चीज़ है। चलो आज इतना गर्म हो रहा ना यार, कितना क्या बताऊँ यार, थोड़ा बारिश आनी चाहिए। थोड़ा बारिश को मैं मिस कर रही हूँ, वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट बहुत जल्दी इतना गर्म ना, इतना गर्म आग लग रही है, मतलब भयंकर वाली ऐसा लग रहा है। बारिश का वेट मैं कर रही थी और बारिश आ गई है फाइनली। अब थोड़ा ठंडा हो जाएगा यार, सही हो जाएगा, वरना बहुत गर्मी हो रही थी आज। सो डिनर वगैरह हो गया है और अब टाइम हो गया ब्लॉग को एंड करने का। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसा कूड़ा फैलाया गया है ना, तो मुझे लगा आज क्या पता यार ऐसा सच ही करेंगे, क्योंकि मैंने कहा यार टेंट वेंट लग रहा है तो सफाई भी करके ही जाएंगे। तो जो मेरे नेबर में रहती है उसने बोला दी देखना कैसा कूड़ा फैला दिया है, तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा साफ साफ दिख रहा है ऐसा कूड़ा फैला हुआ है, दिन में तो बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं करेंगे, मैंने कहा सफाई करेंगे ये लोग और लेके जाएंगे अपना कूड़ा साथ में। लेकिन जब अभी रात में हम टिक्कू को घुमाने गए और वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा यार, मैंने कहा इन्होंने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मुझे मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसा करेंगे ये लोग कि कूड़ा यहीं छोड़ देंगे, फिर मुझे लगा नहीं यार क्या पता नहीं ना करें, है ना, क्योंकि जब इतना भाषणबाजी हो रही है इन्वायरमेंट के उसमें और ये सब, तो मुझे लगा नहीं करेंगे शायद से। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि वाटर बॉटल्स, अपना पार्टी का सामान जो है सब लोग वहीं छोड़ के चले गए हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। थोड़ा अगर सफाई अभियान पर भी ज़रा ध्यान दिया जाता तो काफ़ी अच्छा होता। एनीवेज सबका ध्यान आज पेड़ लगाने में था और सफाई अभियान पे नहीं था, तो उन्होंने सफाई पता नहीं क्यों छोड़ के गई है ऐसा कूड़ा, और कब तक साफ होगा और होगा भी कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम अभी, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत गलत करा इन लोगों ने ऐसे। पता नहीं क्यों ऐसा कूड़ा फैला के चले गए लोगों के घर के आसपास यार, क्या ही बोले अब। तो एनीवेज मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो में, तब तक ले सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।